नमस्कार, आप देख रहे हैं मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आप सभी के लिए आज इस खास वीडियो में आपकी राशि से जुड़ी कुछ खास बातें लेकर आई हूं मैं। दोस्तों, नए साल से पहले यानी कि 16 दिसंबर को एक ऐसी राशि का परिवर्तन हो रहा है जिससे कि आपके जीवन में कई सारे फायदे और नुकसान होंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव, जिनका विशेष स्थान माना जाता है, उन्हीं देवता का राशि परिवर्तन हो रहा है। आपको बताते चलें कि 16 दिसंबर को सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो चलिए आज बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किस तरीके से जब सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो किन किन राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों, सूर्य देव को तो वैसे सभी ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य देव हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं और इस साल इस महीने 16 दिसंबर को सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य की धनु राशि में प्रवेश करने से कुछ राशि वालों को शुभ तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होगी। तो चलिए जानते हैं किसको शुभ और किसको अशुभ फल प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों, माना जाता है कि सूर्य के शुभ होने पर व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है और अशुभ होने पर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चलिए बात करते हैं अब राशियों की कि किन पर क्या असर पड़ने वाला है। दोस्तों, मेष राशि की यदि बात की जाए तो मन अशांत रहेगा, मानसिक तनाव भी हो सकता है। क्रोध के अतिरेक से आपको बचना है। धन का अभाव रहेगा, वहीं आपको अपनी वाणी में कठोरता का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। बातचीत में संतुलित रहें। कुछ पुराने मित्रों से आपकी भेंट मुलाकात हो सकती है। सुस्वादु खाना में रुचि भी आपकी बढ़ सकती है। साथ ही आपको आपके किसी न किसी काम में आपके मित्रों का सहयोग भी मिल सकता है। अब बात करेंगे वृष राशि की। दोस्तों, मानसिक कठिनाइयां हो सकती हैं इस राशि वालों को। पठन या पाठन में आपकी रुचि हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी। आपके संतान का स्वास्थ्य विकार हो सकता है। आपके पारिवारिक समस्याएं जो हैं वो बढ़ सकती हैं। आपके मन भी अशांत रह सकते हैं। अपनी भावनाओं को आपको वश में रखना है। भाई बहनों का आपको सहयोग जरूर मिलेगा, ये आपके लिए लाभ के अवसर भी हो सकते हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के आत्मविश्वास भरपूर रहेंगे, लेकिन यही आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। आपके मन अशांत रहने के योग बन रहे हैं, तो वहीं नौकरी में आपके स्थान परिवर्तन की संभावनाएं बन रही हैं। इस महीने आपको खर्च ज्यादा बढ़ सकता है। आपके खर्च जो है वो जरूरत से ज्यादा होगा। आपके इस महीने रहन सहन थोड़े कष्टमय जरूर रहेंगे, लेकिन सबसे अच्छी बात ये होगी कि आपके मित्रों का आपको इस माह में सहयोग मिलने वाला है। साथ ही आपकी माता से आपको धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अब बात कर्क राशि की। दोस्तों, कर्क राशि वालों के मन अशांत रहने वाले हैं। आपके स्वभाव में थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। आपको आपके धैर्यशीलता में कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन वहीं पर आपके शैक्षिक कार्यों में थोड़ा बहुत व्यवधान भी आ सकता है। तो सोच समझकर कोई भी काम शिक्षा से जुड़े कीजिएगा, लेकिन इस बीच आपके खर्चे भी बहुत ज्यादा रहेंगे, इसलिए अपने महीने के खर्च को पहले ही शेड्यूल कर ले। साथ ही आपको आपके मित्रों का सहयोग भी इस वक्त मिलने वाला है। तो अगर आप किसी परेशानी में हैं तो घबराइए मत, क्योंकि आपके मित्र आपको सहयोग करने वाले हैं। लेकिन आपके नौकरी कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत कठिनाइयां आ सकती है, तो किसी से भी कुछ भी कहने या बोलने या किसी भी काम को बड़ी ही सावधानी से करें। इस महीने आप यात्रा पर भी जा सकती हैं। अब बात सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के आत्मविश्वास में इस दिन कमी आएगी। आय में भी कमी एवं खर्च में परेशानियां होंगी। धर्म के प्रति श्रद्धा भाव आपके मन में खूब रहेगा। पारिवारिक समस्याएं आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती हैं, इसलिए आपको अपनी वाणी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही आपके आपसी मतभेद भी बढ़ सकते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। आपके संचित धन जो आपकी जमा राशि है, आपको इसमें भी कमी मिलने वाली है, लेकिन आपके भाइयों से आपको इस बीच सहयोग मिल सकता है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कन्या राशि। दोस्तों, कन्या राशि वालों के भी मन अशांत रहने वाले हैं। उनको मानसिक तनाव ज्यादा हो सकता है
और तो और इन लोगों को नौकरी और अवसरों या नौकरी पेशा है तो उनके साथ जो अवसर है उनके साथ उनके मतभेद हो सकते हैं, उनके स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन रहेगा। लेकिन अगर आप पारिवारिक जीवन में हैं तो आपके पारिवारिक जीवन सुखमय रहने वाला है। परिवार के साथ आप यात्रा पर भी जा सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में कठिनाइयां आ सकती हैं लेकिन पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। तुला राशि, तुला राशि वालों के स्वभाव चिड़चिड़ेपन के साथ साथ आपकी पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी लेकिन आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन हमेशा रहेगा। आपके लिए आपके शैक्षिक या आपके बौद्धिक कार्यों में आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है लेकिन आपको इस बीच सावधान रहना है अपनी वाणी को लेके। अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है। साथ ही अगर आप कारोबारी हैं और परिश्रम करते हैं तो आपको अपने कारोबार के लिए ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन आप कितना भी परिश्रम करेंगे आपके लाभ में थोड़ी बहुत कमी आपको दिखेगी और लंबे समय से रुके हुए काम इस बीच लेकिन आपके बन सकते हैं। तो आप अपने रुके हुए कामों पर विशेष ध्यान दें क्योंकि इस वक्त ऐसे योग बन रहे हैं तुला राशि वालों के लिए कि उनके रुके हुए काम बन सकते हैं। वृश्चिक राशि, आत्मविश्वास से आप भरपूर रहेंगे परंतु आपका मन बिल्कुल अशांत रहने वाला है। परिवार के साथ आप किसी भी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं। आप इस बीच बहुत ही ज़्यादा बिजी रहेंगे, आपके पास काम की अधिकता बहुत ज़्यादा रहेगी। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। आपकी धैर्यशीलता में भी कमी रहेगी और तो और आपको आपके मित्रों का सहयोग मिलेगा। अगर आप किसी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शैक्षिक कार्य में हैं तो आपको इस बीच सफलता आपके शैक्षिक कार्यों में मिल सकता है। धनुराशि, घर परिवार में आपके धार्मिक कार्य हो सकते हैं। आपके माता से आपको धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। परिवार में मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। यदि आप नौकरी करते हैं या आपने किसी नौकरी के लिए प्रतियोगिता की परीक्षा या किसी तरीके की तैयारी कर रहे हैं तो इस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही आपकी आय में भी वृद्धि के योग बन रहे हैं और कारोबार की स्थिति आपकी संतोषजनक रहने वाली है। मकर राशि, दोस्तों मकर राशि वालों के आत्मविश्वास में थोड़ी बहुत कमी जरूर आएगी। साथ ही आपके पिता या आपके किसी सानिध्य या सहयोगी जो भी हैं उनसे आप लोगों को सहयोग मिलेगा। परिवार में सुख शांति रहेगी। धर्म कर्म में आपकी रुचि इस बीच बढ़ने वाली है और आपके हर किसी काम में आपके मित्रों का सहयोग आपको मिलने वाला है। हाँ, थोड़ा बहुत पारिवारिक आपसी मनमुटाव आपके साथ हो सकता है। आपके इस महीने खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे लेकिन साथ ही साथ आपके धन में वृद्धि के भी योग इस बीच बन रहे हैं। कुंभ राशि थोड़े से असंतोष के भाव के साथ रहने वाले हैं। उनके मन में काफ़ी तरीके की निराशाएं होंगी। उनके धार्मिक संगीत के प्रति उनका रुझान जो है कुंभ राशि वालों का बढ़ सकता है लेकिन फिर भी आपको अपनी वाणी में सौम्यता रखनी पड़ेगी। आपको वाहन सुख में वृद्धि हो सकती है। यदि आप इस बीच वाहन खरीदने का कुछ भी प्लान कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा योग बन रहा है, आप खरीद सकते हैं। आपके काम इस बीच बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। अगर आप ऑफिस जाते हैं या घर में किसी भी तरीके का काम करते हैं तो काम बहुत ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। आपका अस्पताल का खर्चा, दवाई का खर्चा इस बीच बढ़ सकता है इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है और आपके संबंधों में इस बीच मधुरता आएगी यदि आप अपने कुछ चीज़ों पर ध्यान देते हैं। तो मीन राशि, दोस्तों अब आखिरी राशि की बात कर रहे हैं तो मीन राशि मानसिक शांति उनके साथ रहने वाली है। इनका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा मजबूत रहने वाला है। अगर लंबे समय से आप धन की स्थिति से जूझ रहे हैं तो उसमें अब आपको सुधार होता नजर आएगा और किसी रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपने लंबे समय से किसी को पैसे दिए हैं और वो नहीं निकल पा रहा है तो मीन राशि वालों के लिए शुभ योग बन रहे हैं। उनके रुके हुए पैसे उनके पास आ जाएंगे लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत आपको अपनी नौकरी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है इसलिए आप अपने व्यर्थ के विवादों से बचकर रहें जिससे कि आपकी नौकरी कठिनाई में ना पड़े। तो दोस्तों सूर्य देव के परिवर्तन से 16 दिसंबर को जिन राशियों पर शुभ और अशुभ फल या समस्याएं होने वाली हैं उसकी बात हमने आज इस वीडियो में की। अगर आपको हमारी ये खास जानकारियां अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा।